प्रणाम आचार्य। सम्राट, क्या मगध विजय के पहले तुम्हारी सेना नंदीग्राम के पास ठहरी थी? हाँ आचार्य। क्या तुम्हारी सेना ने ग्रामवासियों से अन्न लिया था? हाँ आचार्य। क्या उसका मूल्य चुकाया गया? शायद नहीं। हाँ या नहीं? नहीं आचार्य। क्या समझकर तुमने वो अन्न ग्रहण किया? दान या दक्षिणा? मैं समझा नहीं आचार्य। शारंगराव, सम्राट को दान और दक्षिणा का अर्थ समझाओ। सम्राट, दान वह मूल्य है जो सामाजिक कर्तव्य के रूप में दिया जाता है, और दक्षिणा वह मूल्य है जो किसी सेवा के बदले में दी जाती है। तुमने क्या लिया, दान या दक्षिणा? क्षमा आचार्य, मैं उस अन्न का मूल्य चुका दूंगा। ध्यान रहे चंद्रगुप्त, हर वस्तु का मूल्य है, हर सेवा का मूल्य है, और जिसका भी मूल्य है वो अर्थ है, और धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर है। इसलिए अर्थ व्यवहार धर्मपूर्वक हो। बिना मूल्य दिए दूसरे का द्रव्य लेना दूसरे के द्रव्य का अपहरण है, और दूसरे के द्रव्य का अपहरण अपने द्रव्य का नाश है। सम्राट, अन्न और प्रजा ही तुम्हारा धन है, और अन्न का प्रजा से संबंध है। बात समझ में आई? हाँ आचार्य। अब तुम जा सकते हो। यही बात आचार्य मुझसे एकांत में भी कह सकते थे, पर नहीं, मुझे अपमानित करने में उन्हें आनंद आता है। सम्राट, आप आचार्य को गलत समझ रहे हैं, यह तो उनका आपके प्रति स्नेह है। थक गया हूं स्नेह के इस बंधन से मैं। सम्राट की जय हो, समाहर्ता आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। अब इस समय समाहर्ता को क्या काम आ पड़ा, भीतर भेज दो उन्हें। मगर सम्राट की जय हो। सम्राट, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इस समय यहां आना पड़ा। कहो। सम्राट, श्रेष्ठी सुदत्त और दूसरे कई श्रेष्ठियों को न्यायालय के आदेश पर चुंगी घर के सामने धूप में खड़ा कर दिया गया है। उनका अपराध क्या है? कर चुराने की कोशिश। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समाज के सामने लज्जित किया जा रहा है, और मुझे इस बात की सूचना तक नहीं। क्या आचार्य को इसकी सूचना है? आचार्य विष्णुगुप्त के आदेश पर ही उन्हें यह दंड दिया गया है। मैं आचार्य से मिलना चाहता हूं इसी समय। जो आज्ञा सम्राट। आयुष्मान भव। कहो, कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? आचार्य, प्रथम आसन तो ग्रहण करें। शिष्टाचार में समय गंवाने का मेरे पास समय नहीं है सम्राट। जो पूछना है सीधे पूछो। आचार्य के पास मेरे लिए समय नहीं है। आचार्य के पास जो समाज को धन देते हैं उनके लिए भी समय नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य किसकी चिंता में व्यस्त हैं। समाज की। मेरे लिए व्यक्ति नहीं, देश महान है। मेरी निष्ठा न चंद्रगुप्त में है न चंद्रगुप्त के साम्राज्य में। मेरी निष्ठा समाज के उत्कर्ष में है। मैं उसी के बारे में सोचता हूं चंद्रगुप्त, इसीलिए मैं कर का चिंतन करता हूं, इसीलिए मैं दान का चिंतन करता हूं। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, समुद्र से जल भाप बनकर बादल बन जाता है, फिर वही बादल
वर्षा की बूंदे बनकर जल जल में मिल नदियां बन सागर बन जाता है। वही जल अर्थ है, कर वही अर्थ है जो राज्य का आधार है, और दान वही अर्थ है जो समाज का आधार है। ये समाज ही सागर है, यदि सागर का जल सागर में न मिले तो अर्थ अनर्थ है। इसीलिए राजा कर लेता है और समाज दान देता है। जिस मगध में प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कर नहीं चुकाते, ऐसे मगध में एक ऐसा अपरिग्रही ब्राह्मण भी रहता है जो भिक्षा में मिले अन्न को भी सूर्यास्त से पहले बांट देता है ताकि वो किसी की भूख मिटा सके। बताओ चंद्रगुप्त, मैं किसका सम्मान करूं? कम से कम में जीने वाले उस आचार्य का, या कर न चुकाने वाले उन प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों का? सुनो सुनो सुनो, पाटलिपुत्र की जनता सुनो, मगध साम्राज्य में चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। महाराज धननंद के पूर्व मंत्री अमात्य राक्षस ने सम्राट चंद्रगुप्त का मंत्री बनना स्वीकार कर लिया है। अक्षय तृतीया के दिन अमात्य राक्षस की उपस्थिति में सम्राट चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक होगा। सभी नागरिक इस समारोह के उत्सव में आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो, ऐसे साम्राज्य का सम्राट होने का क्या लाभ जहां मैं हर दिन एक कठपुतली की तरह नचाया जाऊं, अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह भी आचार्य के लिए एक राजनीति है। जब से यहां आया हूं चैन से कमरे में सो तक नहीं सका हूं। कौन हूं मैं, सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के इशारों पर नाचने वाला एक दास? नहीं बनना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए मुझे यह साम्राज्य, नहीं होगा यह राज्याभिषेक। समाहर्ता, सम्राट रोक दो ये राज्याभिषेक। ये क्या सुन रहा हूं मैं चंद्रगुप्त? आपने ठीक ही सुना है आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? जब से यहां आया हूं अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूं। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न, परंतु यहां आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त, मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखे अपना साम्राज्य, नहीं बनना मुझे सम्राट यदि यही सुख है सम्राट होने का। चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख, जब तक तेरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी हो पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू चंद्रगुप्त, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला है। स्वस्तिना इंद्रो वृत्रश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंद्रगुप्त, ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है, तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन करता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता और प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है। अपने महान गुरु के महान शिष्य चंद्रगुप्त ने अर्थ का ऐसा पाठ पढ़ा कि अपने जीवन के अंत काल में 40 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के अंत समय में चंद्रगुप्त के राज्य में भीषण अकाल के कारण लोगों के पास अन्न नहीं था। महान गुरु, महान शिष्य, महान आदर्श। अपने महान शिष्य के लिए महान गुरु ने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। रसिकों, अर्थ और सुख जीवन की आवश्यकताएं हैं, किंतु गलत रास्तों से अर्जित अर्थ अनर्थ है। सही रास्तों से अर्जित अर्थ ही आपको सुख की ओर ले जाता है। इसीलिए तैत्तिरीय व प्रश्नोपनिषद में पहले शुद्ध बुद्धि और बाद में धन की कामना की है। कारण स्पष्ट है, धर्म है तो अर्थ है, अधर्म है तो अनर्थ है।